हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। बस मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार हो रहा है। तो अभी ये जो हमने किचन का सामान मंगाया था, इसी को रिता रहे हैं, इनको डब्बों में डाल देंगे। और इधर चावल भिगो रखे हैं, राजमा बनाएंगे आज। राजमा भी भिगोया था, छोंक भी काट लिया है मोनिका ने, और टमाटर भी इधर मैंने राजमा रख दिया था बॉयल होने के लिए। छोंक मोनिका लगा लेगी, वो किसी और काम में लगी हुई थी, फिर मैंने ही रख दिए थे इनको उबलने के लिए। आलू सुबह बच्चों के लिए उबाले थे, उनको आलू के पराठे दिए थे, तो तभी रख लिए थे मैंने उसमें से आलू उठा के। तो अभी राजमे में आलू डाल लेंगे मिक्सी में। प्याज मोनिका ने ऐसे ही काट ली थी बारीक बारीक, उसी में छोंक रही है। और इधर सारे मसाले ऐड कर लिए, टमाटर भी नहीं पीसा, टमाटर भी बारीक बारीक काट रखा है। इधर राजमा है ये जो बॉइल हो रखा था। वैसे तो मैं सोची थी आज वीडियो नहीं जा पाएगी क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर के यहाँ गई थी। फिर आने के बाद मैंने सोचा चलिए अपनी वीडियो एडिट कर लेते हैं। आगे वैसे भी शादी के फंक्शन की वीडियो आएंगी तो फिर बहुत सारी क्लिप्स हो जाएंगी, इसी वजह से मैंने सोचा चलिए वीडियो डाल लेते हैं। तो अभी मोनिका छोंक लगा रही है राजमा में, सारे मसाले एक जगह कर लिए हैं। बीट इन लाइफ बीट का बीट ये लाइफ पुरुष भी आप और पन्नी में क्या वैसे इसको सॉफ्ट दे दी हाय लुटाई घर लुटवाओगे पापा कपड़े मैं अपने कपड़े कहाँ थे पापा कहीं थे क्या देखो ये उन्होंने जीस में चाहती हूँ इसमें चाह रही हूँ फिर वहाँ लोगों से कहीं पंचायती क्या तुम अभी लंबे में सामान लिखा जाए हाँ सामान लिखा जाएगा लोगों ने नहीं पाए मुझे पापा के कार्ड डन करनी दर्द देने का परेश वरेश होगा इन बताए हाँ बिल्कुल पहनने पहनने बिल्कुल पहनने के नाड़े भी खल गए पानी में पानी लिख रहे नाड़े सही धरे पे फिर उनको खाली बिल्कुल नाड़े आए बेटा कहाँ आए नाड़े तो धरे बैग में मेरे लेकिन ना देख परेश करके बढ़िया दे और वहाँ कोट क्या रहा उनको कोट देगी थी डोली से पूजा डोली का थी तो या पूजा हो गया था ना उनका शायद लौंडी थी फिर ले लौंडी मम्मी भी मार्केट से आई हैं अभी अभी और अभी खाना भी खा रहे हैं सभी गरम गरम और ये मैंने प्लेट लगा दी है मम्मी के लिए राजमा चावल मट्ठा तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए मम्मी और दीदी तो खा रही हैं और अभी मैं पोछा लगा रही थी खाना खाने के बाद उधर तो लग गया इधर रह रहा है चौक में कल नहीं लग पाया था क्योंकि कल दीदी ने लगाया था बड़ी दीदी ने तो उन्होंने इधर नहीं लगाया था आज मैं लगा रही हूँ अच्छे से रगड़ रगड़ के एक दिन अगर पोछा ना लगे तो इधर बुरी हालत हो जाती है बहुत बुरा हाल हो रहा था पता नहीं क्या क्या चिपक रहा था इधर तो अभी मैं अच्छे से पोछा लगा देती हूँ गमले भी हटा हटा के लगा दिया है सारे में इधर भी गमलों के नीचे भी मिट्टी सी हो जाती है तो वो भी मैंने साफ़ कर दी बिल्कुल और अभी यहाँ पोछा लगाने के बाद नहा लूँगी वैसे तो मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा पर फिर नहाए बिना मेरे पे रहा नहीं जाता क्योंकि तबीयत ख़राब है आज भी जुखाम खांसी हो रहा है बुखार सा भी हो रहा है बच्चे अभी तक नहीं आए स्कूल से आने वाले हैं वो भी बच्चे स्कूल से आ चुके हैं जिया बिना ड्रेस की जाती है क्योंकि इसकी ड्रेस ऊँची हो गई लॉकडाउन में और ये विदाउट जाती है तो इसी वजह से आप सबको लग रहा होगा कि जिया स्कूल नहीं गई थी जिया भी गई थी और आके देखिए मस्ती के मूड में है आते ही बच्चे तो फ्रेंड्स आज मेरी तबीयत खराब है कौन सी गई थी चाय में आज भाई गई थी भाई गई थी पहले वाली आहो पहले वाली तो पी पी को बीमार हो गए स्वाद नहीं लग रहा ना चाय पीने उसमें तो सारे पत्ते बीमार कहाँ हो गए मतलब चाय पी कभी बीमार है बिना चाय पियो भी बीमार है बीमार है
चाय से बीमार होगी। अब कुछ नहीं होना, बस नाक पे तो मनु कर दे बस। मेरे भी जड्डा लग रहा, अंदर वाला बुखार हो रहा है, साल सी निकल रही। जो इसका क्या इलाज करूं? जब कह रहे जब मना कर दी और क्या करें, मत जाइए बस चुप हो जाते खेलते थे अब ना जाइए ठीक है बेटे। फ्रेंड्स यहाँ पे लोग की छुट्टी रोना चल रहा है स्कूल जाने का, कल स्कूल नहीं जाना है इनको। और क्या उसके चोट लगाऊंगी, आराम बहुत हो गया, अभी अपने काम पे लग जाते हैं। मैंने दवाई ली थी और उससे आराम लग गया, आराम होते ही मैं तुरंत उठ गई और उठ के अपने काम पे लग गई, क्योंकि लेटना और बैठना मुझे पसंद नहीं है। जब भी मुझे कुछ होता है आराम लगते ही मैं काम पे लग जाती हूँ, ऐसा ही करती हूँ मैं पहले से ही। पता नहीं क्यों मुझसे लेटा नहीं जाता ऐसे बिना मतलब, और ना ही बैठा जाता है काम को छोड़ के। यहाँ पे गंदा हो रहा था, बच्चों ने अभी पता नहीं क्या क्या खाया है दुकान से ला के और यहीं पे डाल दिया उनके रेफर भी। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर सब्ज़ी बना दूँगी। मोनिका की भी तबीयत ख़राब सी हो रही है, उसको भी जुकाम खांसी हो रही है बहुत, तो वो भी अभी आराम कर रही थी थोड़ी देर के लिए। तो अभी मुझे आराम लग गया था, फिर मैं पता नहीं क्या हो रहा है घर में, सभी बीमार हो रहे हैं, मुझे भी हो रहा है, मम्मी को भी और मोनिका को भी, तीनों को ही हो रहा है। पता नहीं बच्चों को ना हो जाए, बस बच रहे हैं उनसे अलग अलग रहते हैं कि कहीं इनको ना हो जाए। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दी है सारे में, फिर मैं अभी सब्ज़ी काट लूँगी और छौंक लगा दूँगी। तब तक मोनिका को भी आराम सा हो जाएगा, वो फिर रोटी बना देगी। शादी सर पे है और घर में सभी की तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो गया सभी की तबीयत को, क्या हो रहा है, कभी कुछ हो ही रहा है। और ये जुकाम खांसी तो ऐसा है कि इसमें परेशान हो जाते हैं, इससे अच्छा तो बुखार है कम से कम। उसमें एक बंदर सिखाया। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, क्यों ऐसे रे गाल सूज रहा? गाल तो सूज रहा है, अब होगा अंधेरा। मीनू के आए नहीं जैसे मीनू के पेश में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे? और मैंने दवाई ली थी तो अभी थोड़ा सा आराम है, अब उतनी हालत ख़राब नहीं जितनी दोपहर हो रही थी। तो आज आप सबसे बात भी नहीं हो पाई इसी चक्कर में। पानी में भाप है नहीं, मन रही बस नहीं पी दियो। जाली जालिया सर कल को घेर दिया टाइटल, सासू माँ क्या पी गई लोटे से, नहीं नजला हो रहा बाप हरी लोटे से फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल, मस्त फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मुझे आराम है, मैंने दवाई ली थी आराम है, अभी मैंने सोचा वीडियो कॉल कर लेते हैं, आपसे बात भी नहीं हो पाई तबीयत ख़राब के चक्कर में। तो मैंने सोचा अभी आपसे बात भी कर लेते हैं, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। कल जाएंगे मिट्टी लेने के लिए, मिट्टी आएगी कल तो उसकी भी तैयारी करनी है। और अभी मैं दवाई लेके थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी, फिर अभी आँख खुली मैंने, अभी दूध जमाया है, किचन में आई थी क्योंकि रूम में पंखा चल रहा है, आप सबको आवाज़ नहीं जा पाती, तो दूध जमा दिया है, गिलास में अपने लिए लिया है। और अभी सारा काम हो चुका है तो मैंने सोचा चलिए वीडियो कॉल यहीं पे कर लेते हैं किचन में ही, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ नहीं जा पाएगी, पंखे चल रहे हैं तीनों रूम में और सारे पंखे आवाज़ कर रहे हैं। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे कमेंट भी प्लीज़। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब तो बिल्कुल बढ़ते ही नहीं हैं, सबके इतने अच्छे सब्सक्राइब हो जाते हैं पर पता नहीं मेरे क्यों अटके से पड़े हैं, और व्यूज़ भी कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम, बस ऐसा तो चलता ही रहता है। शायद ये सब मेरी ही इसमें लिखा हुआ है, मेरा ही यूट्यूब पर सब रुका हुआ सा है। तो चलिए अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। मैं तो हो गई बीमार शादी से पहले ही, कल मिट्टी आएगी तो उसकी वीडियो भी आएगी कल, उसकी वीडियो तो शायद परसों आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें,
एंड तक देखे तभी आप सबको पता चलता है वीडियो में क्या हुआ क्या नहीं। और आज मुझे एक कमेंट भी आया था, अभी मेरे याद आ गया कि आप बस ये कपड़े दे रहे हो अपनी नंद को, बाकी सामान नहीं दे रहे। देखिए सामान सारा दे रहे हैं, फर्नीचर का भी और ये जो फ्रिज कूलर ये सब होता है ये भी, पर अभी वो हम लेके नहीं आए, अभी वो हमने दुकान अभी दुकान से लेके नहीं आए, वहीं पे है शोरूम में ही, वहीं से जाएगा। तब अगर मौका लगा तो आप सबको भी दिखाएंगे, और अगर उधर से उधर ही चला गया तो कह नहीं सकते क्योंकि उधर से उधर भी जा सकता है। लेकिन सारा ही सामान दे रहे हैं, कोई ऐसा सामान नहीं जो नहीं दे रहे हैं, सभी देते हैं अपनी बेटी को। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अभी चलते हैं, मिलते हैं कल। वीडियो का वेट कीजिएगा।